जेकोनोसी कार्य जेकोनोसी शुभ कार्य जदि आमे माने करूचे निहाती भावरे प्रथमे कलश स्वरूप गणेशंकु आवाहन करा जाए। तेबे गणेशंकु जदि आमे आम घरर मुख्य द्वाररे स्थान दबा तेबे आमर किछि शुभ हबो कि निहाती भावरे मन भितर गोटे जिज्ञासाटिए सृष्टि होइछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपणकर सनी पुणि थरे स्वागत करूछि आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम भक्ति जिज्ञासार परिवेश को। आम मनरे उठिथिबा सेही प्रश्नर समाधान रखिया पई आम सहित पुणि थरे जोडी हिचंती आमर अति प्रिय ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद पंडित चित्तरंजन महापात्र सर। नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जेमिति कहुतली आम दर्शक मानंकु घरर मुख्य द्वार रे जदि आमे गणेशंकर फोटो टिए हौ किंबा मूर्ति टिए हौ स्थापन करूचे तेबे आमो कि शुभ फल मिलिबो नि? गणेश हौछंती जे कर्ता विघ्नकर्ता आज्ञा, अर्थात जी विघ्न को नाश करती जी अमंगल को नाश करती सी हूँ जी गणेश आज्ञा। अर्थात आप देखिए से प्रत्येक पूजा अग्रपूज्य बोली अग्रपूज्यर संपूर्ण ओडिया कहले सी प्रथम पूजा करार अधिकार आगे दि जाए मान प्रथम आगे अग्र कहले उपर अग्रर प्रकृत ओडिया कहले उपर आज्ञा तो ना लगेगा अग्रपूज्य अर्थात से पूजार उपर आज्ञा आगे सीए पूजा पाइबे समस्ते पूजा पाइबे तो सीए विघ्न नाश करती। तो आम प्रश्न उपरक आसवा जदि आम गणेश मूर्ति घर रखुंट घर बाहर रखुंट प्रकृत वास्तु अनुसार केत गुरुत्वपूर्ण अटे आमपाई केमी रखा आवश्यक अटे आप प्रश्न ये रही तो देखूँ सर्वप्रथम जान रखा पूजा गणेश मूर्ति गोटे अलग आस्तु गणेश मूर्ति गोटे अलग सी द्वंद्व आप मन भितर मैं प्रथम क्लीयर करी घरे आप मंदिर घर भितर ठाकुर घरे जो गणेश पूजा करणकर वास्तु गणेश हो पारे ना आज्ञा सी आप द्वार बंध आगे द्वार आगे घर आगे कि वास्तु गणेश पूजा करें ना ये तारतम्यटा प्रथम आप मन भितर द्वंद्व निहती आवश्यक अटे। तो जोबले आप घरपाई पूजा करने गणेश किणुंतर शुंडटी सदा सदा बाम पट को रही दरकार बाम पट शुंड अपने जानवे सीए शुंड जब बामपटे अच्छी घर आगे वास्तु हिसाब से पूजा करेंगे ना सी द्वंद्व आप मनर क्लीयर करूँ ठाकुर घर पूजा करेंगे प्रथम जिनस क्लीयर है द्वितीय जिनस को आसवे आज वास्तु गणेश किए जार शुंडटी डाहाण पट मोड़ बाम हाथ में लड़ू धरी बर्तमान को आप जाने सीए गणेशटी आम संपूर्ण भाव में लड़ू धरते मतलब बाम पटु शुंड थे भाई ठाकुर घर पूजा हो पार कितु डाण पटु आप नजर करेंगे डाण पटु शुंडटी थी मोड़ी थोड़ा आड़ू धरी गणेश विशेष भाव वास्तुपी शुभ प्रदान करती शास्त्रानुमत ये आज्ञा। तो आप गुरुत्व देते आज्ञा डाण पटु को जो मूर्तिर शुंड मोड़ हाथ में लड़ू धरी थे से गणेशटी आप प्रतिष्ठा करेंगे एवं पूजा करेंगे वास्तु अनुसार कौटि रखिए कौ दिग्गर रखिए देखु सब बड़े घर बाहर बेले घर भरपट द्वार बंध उपर रखु आज गणेश मूर्ति की वास्तु अनुसार आज्ञा रखिले आपड़ जो जेकोसी कम बाहर की जीवे दर्शन कले सी विघ्न नाश करती जहाँ भी आपण कार्य विघ्न थी नाश हो सहित आप दिग पर गुरुत्व देवा दरकार आज्ञा कौ दिग्गर रखा गणेश मुख सदा सर्वदा दक्षिण पट दिगक रहा आवश्यक अटे दक्षिण पट दिगरे स्थापन करवा दरकार मुहटा सब दक्षिण पट रु वास्तु अनुसार यह संभवपर हुए ना प्राय व्यक्ति विशेष घरे जदि वास्तु अनुसार आप दक्षिण पट दिग रखिपार ना पूर्व मुखा कि पश्चिम मुखा वास्तु अनुसार रखिपारे रखी पूजा करें तो आपड़ी ध्यान देवे जदि घर भितर को रखुंट विशेष महत्वपूर्ण अटे घर भितर पटे द्वार बंध उपर पूजा करें कि घर बंदर द्वार बाहर द्वार उपर पूजा करें किंतु दिग सब पूर्व पश्चिम हवा आवश्यक अटे उत्तर पटु हम ना आज्ञा मनरे प्रथम रखि यही प्रकार भाव में पूजा कले विशेष भाव में घरे जिते प्रकार वास्तु दोष थाए घर आसला बेल दृष्टि पड़ू कि बाहर बेल दृष्टि पड़ू किंतु गुरुत्व देवे घर द्वार बंध उपर भरपट रहा आवश्यक किंबा घर बाहर बेले मुख्य द्वार डाहाण पटे भी रखिपारे आज्ञा कितु जानते प्राय व्यक्ति भी से भूल भी करते आज्ञा मूर्ति रखिले
11 ଇଞ୍ଚ ବା 9 ଇଞ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି 11 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବା ନ୍ୟାସ କରିବା ଜୀବଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ବାହାର ପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ଡାଣ ପଟେ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ଡାଣ ପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବା 9 ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଦିଗ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଯଦି ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ ଶୁଭ, ଯଦି ପୂର୍ବ ତା ନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କରିକି ମୁଖ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ଏ ଗଣେଶ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଘରକୁ ସକଳ ଶକ୍ତି ବା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ ବା ଶୁଭ ଉର୍ଜା ଆସିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଉ ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆପଣ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଥିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।